डिप्रेशन ये एक तरह का मूड डिसऑर्डर है। डे टू डे लाइफ में आपने अक्सर सुना होगा कि आज हमारा मूड ठीक नहीं है, आज मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, इस तरह की चीज़ें अक्सर सुनने में आती हैं। कभी कभी जब हमारी लाइफ में हमारे मन के अनुसार चीज़ें नहीं होती हैं तो अक्सर हमको डिप्रेशन होने लगता है। अगर ये थोड़ी देर के लिए है तो इस चीज़ को हम नॉर्मल लेते हैं, बट अगर यही मूड डिसऑर्डर या यही जो फीलिंग है बहुत दिनों तक रहती है तो वो एक डिप्रेशन का कारण बन जाती है। 3-4 हफ्ते तक अगर आपका मूड इस तरह का है कि आपको किसी काम में आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, रात में नींद नहीं आ रही है, आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा है, अंधेरे में रहने का दिल करता है, रोशनी से आपको परेशानी होती है, तो आप इमीडिएट किसी भी डॉक्टर को साइकेट्रिस्ट को दिखाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये सब जो सिम्टम्स है ये सब डिप्रेशन को लीड करते हैं। डिप्रेशन को दूर करने के लिए अगर आप चाहें तो खुद भी शुरू में जब बिगनिंग में जब भी आपको इस तरह के सिम्टम्स लगते हैं तो खुद भी आप अपनी स्वयं की हेल्प कर सकते हैं। जैसे अगर आपका मन अकेले में बैठने से घबरा रहा है तो आप इमीडिएट अपने किसी दोस्त को फ़ोन करिए, किसी दोस्त से बात करने की कोशिश करिए, बाहर जाके कॉफ़ी चाय पीजिए उसके साथ में, अकेले में बिल्कुल भी मत बैठिए कमरे में, अंधेरे कमरे में मत बैठिए, हमेशा लाइट जला के बैठिए। आप म्यूज़िक लगा के अपने इस स्टेट को डिप्रेशन की चीज़ को हटा सकते हैं। म्यूज़िक लगाइए, डांस करिए घर में, किसने नहीं मना किया। अगर आप डिप्रेशन के मूड में हैं जो भी आपको अच्छे गाने लगते हैं लगाइए, म्यूज़िक सिस्टम ऑन करिए और डांस करना शुरू कर दीजिए, इससे आपका डिप्रेशन जो काफ़ी कुछ दूर हो सकता है। आपकी जो भी हॉबीज़ हैं आप अपने आप से पूछिए, अपने आप से बात करिए कि आपको डिप्रेशन क्यों हो रहा है। अगर आपको कोई सिचुएशन ऐसी लगती है जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा है तो इमीडिएट उस डिप्रेशन को पॉजिटिवली सोचने की कोशिश करिए। अपनी आपकी जो हॉबीज़ हैं उनको देखिए, कौन कौन सी हॉबीज़ हैं उनको डेवलप करिए। अगर आपको पौधों से शौक़ है तो बहुत अच्छा है, अपने गार्डन में कमरे में बंद ना मत बैठिए बल्कि गार्डन में जाइए, पौधों में पानी डालिए, पौधों में अगर पत्तियाँ थोड़ी सूख रही हैं उनको निकालिए, आप देखिएगा इसको करने से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है और अच्छा भी लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा भूख लगती है और बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं, ये भी एक डिप्रेशन का कारण होता है। बहुत से लोग बहुत मीठा खाते हैं, ठीक है खाइए, पर ये देखिए कि डिप्रेशन में बहुत अंदर इतने डीप ना चले जाएं कि उसमें से बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाए।